मैं रविंद्र योगी आपके लिए लेके आया हूँ फिर से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फैक्टर करने के शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए और अच्छे से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें फैक्टर करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6k या x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10k, तो ये लास्ट जो टर्म जो होती है अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे दोनों फैक्टर की के साइंस जो आएंगे सिमिलर होंगे, और वो किस पे डिपेंड होगा, इस साइन पर, मिडिल टर्म के साइन पर डिपेंड होगा। मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, मिडिल टर्म नेगेटिव है तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, ठीक है। इसी तरह से दो साइन होते हैं नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले में हमें सॉल्व करना है तो हमेशा दोनों में से एक नेगेटिव होगा, और बड़ी डिजिट माइनस की है अगर मिडिल टर्म तो ये बड़ी डिजिट माइनस की रहेगी, और प्लस की है तो बड़ी डिजिट प्लस की रहेगी। इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड। एक क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं कैसे सॉल्व होता है। देखो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट है हमारा 6 और एडिशन है 5, तो 6 के मल्टीपल करने हैं तो 3 2 जा 6, मल्टीपल को प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इसको लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें सब x कॉमन लिया x प्लस 3, फिर 2 कॉमन लिया x प्लस 3, सिमिलर प्रोडक्ट है उसको एक ब्रैकेट में लिखा अदर को दूसरे ब्रैकेट में लिखा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ये नई चीजें सीखते रहिए। थैंक यू।